बच्चों आज हम आपको जल संगठन और जल आपूर्ति के बारे में बता रहे हैं। जल क्या होता है आप सब जानते हैं ना, हम लोग जो प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए जल की क्या आवश्यकता होती है। बिना जल के हम जीवित रह सकते हैं? नहीं ना रह सकते हैं। तो जल हम पे जितने सजीव हैं, पेड़ पौधे हुए, जानवर हुए, मनुष्य हुए, सबके लिए जल की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जल प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसको क्यों जरूरी है और जल के अभाव के नाते प्राणी का जीवन कितने दिन तक जीवित रह सकता है, कितने दिन तक जीवित नहीं रह सकता है, इसके बारे में हम आपको बता। प्रत्येक प्राणियों को जल की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राणी को, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को प्यास लगती है ना बच्चों, क्या बिना पानी के हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अब जैसे जल के अतिरिक्त हम जो भी खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें जल की मात्रा होती है। जल जो भी हम लोग खाते हैं, पीते हैं या जो भी खाद्य सामग्री हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, जल की मात्रा होती है ना। और देखिए, वस्त्रों की सफाई करना, स्नान करना, घर को साफ करना और घर को साफ करना, वस्त्रों की साफ सफाई जल के माध्यम से ही हमें संपन्न करना पड़ता है। वनस्पति जगत का अस्तित्व भी, जो पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान है, ये सब चीजें किस पे आधारित है बच्चों? जल पे ही आधारित है। क्योंकि जल नहीं रहेगा तो ये सबका उपज नहीं होगा, विकास नहीं होगा। जल स्रोतों में विद्युत का भी निर्माण किया जाता है, जो हम लोग बिजली मिलता है बच्चों ना, जो हम लोग लाइट जलाते हैं, ये सब इसका भी आपूर्ति किससे होता है? जल से होता है। जल से ही इसका निर्माण किया जाता है, जो कि आधुनिक जीवन के अनिवार्य आवश्यकता है। बाहरी क्रियाकलापों एवं आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमारे शरीर की आंतरिक संरचना भी, उसपे भी 70-75% जल पे ही आधारित माना जाता है। अब देखो बच्चों, इसी कारण प्राकृतिक में भी संपूर्ण ब्रह्मांड को जल की अपेक्षा थल पे अधिक बनाया है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी पे 3 भाग जल और 1 भाग अन्य चीजें पाया जाता है। अब देखिए, भले ही हमारे ब्रह्मांड में जल की बहुलता हो, परंतु मनुष्य को अपने उपयोग के लिए शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। हमारे पृथ्वी पे जल बहुत ज्यादा मात्रा में हो, मगर जो शुद्ध जल होता है, जो सही जल जो यूज करने लायक होता है, वो बहुत कम ही मात्रा में पाया जाता है। नगरों में जल प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जहाँ लोग बसते हैं नगरों में, गाँव में, शहरों में, उन सबको जल प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का यही कारण है कि जल के उचित संग्रह के लिए पर्याप्त उपाय और विभिन्न उपाय किए जाते हैं। अब जल का संगठन, जल एक अवयविक एवं एक जल एक अवयविक क्रिया है और इसको वैज्ञानिक विश्लेषण कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड के केविन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस विश्लेषण द्वारा प्राप्त हुआ है कि जैसे जल जो होता है, जल को किस तरह संगठन किया जाता है, किस तरह इसको रखा जाता है, किस तरह ये ज्यादा बर्बाद ना हो, इसके बारे में हम आपको, जल को विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल जो होता है, जल में कोई भी चीज घोल दिया जाए वो उसके रूप में ढल जाता है। अब विभिन्न लवण घुलित अवस्था में विद्यमान होता है, जैसे चना, चून, मिट्टी, खड़िया, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि सभी लवण इसमें क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। और जल प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं? जल प्राप्ति के साधन है समुद्र, वर्षा, नदी, तालाब, झील, कुएं, पोखरा, इन सब स्रोतों से हमें जल प्राप्त होता है। जल के प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्र। जल हमारे पृथ्वी पे समुद्र जो खारा पानी सबसे अधिक पाया जाता है। हमारे भूखंड का लगभग 2/3 भाग जल तथा एक तिहाई भाग थल है। जो तिहाई भाग जल और एक तिहाई भाग क्या है? थल है। आकार तथा मात्रा में दोनों का दृष्टिकोण से समुद्र की जल का सबसे बड़ा सूत्र है और आकार के माध्यम से सबसे बड़ा सूत्र क्या है? समुद्र है। ये एक अन्य दृष्टिकोण से भी समुद्र का जल प्रमुख सूत्र माना जा सकता है। समुद्र का जल भी वाष्प में परिवर्तन होकर बदल बादल का रूप धारण, वाष्प जैसे वाष्प बनकर क्या होता है, उड़ जाता है और बादल का रूप धारण कर लेता है। और वर्षा का जल भी नदियां, तालाब तथा झीलों के रूप में पृथ्वी पर ग्रहण करता है। जो वर्षा का जल होता है नदी में, पोखरी में, तालाब में, कुएं में, ये सब कहाँ, ये सब एकत्र होता जाता है। हमें भी हम कुओं एवं स्रोतों आदि के रूप में ग्रहण करते हैं।
और कुएं से हुआ, नदी से हुआ, पोखरे से हुआ, इन सब के माध्यम से हम जल प्राप्त करते हैं। अब समुद्र का जल हमारे लिए विशेष उपयोगी नहीं होता है। समुद्र का जल क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि वो काफी खारा होता है, इसी नाते हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। क्योंकि यह खारा होता है, समुद्र का जल ना तो पीने लायक होता है और ना खेत में सिंचाई करने के लायक होता है और ना ही फसलों की सिंचाई के। और कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के जल का शुद्ध करके पीने के काम में लाया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के जल को फिल्टर करके पीने के योग्य बनाया जा सकता है। जल का एक व्यापक सूत्र वर्षा भी है। हमको पृथ्वी पर जल का एक व्यापक, हमारे खेत की सिंचाई हुआ, हमारे नदी पोखरे तालाब आदि में एक जो वर्षा का जल है उसी के माध्यम से हम काफी शुद्ध होता है। इसके माध्यम से पृथ्वी का जल बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके माध्यम से पृथ्वी को जल बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। भूतल पर विद्यमान जल स्रोत समुद्र नदी तालाब बर्फ आदि जल का निस्तारण वाष्पीकरण के द्वारा होता है। इस कारण इस प्रकार से बनी वाष्प की कुछ विशेषताएं पृथ्वी में संगठित होकर जल का रूप धारण कर लेती है। यह जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पे गिरती, जो वाष्प बनकर बादल बन जाती है वही हमें जल वर्षा के माध्यम से हमें पृथ्वी पे मिलती है। जो हमारे वर्षा का जल प्रारंभिक रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, जो वर्षा का जल होता है जो प्रारंभिक रूप से पूर्ण रूप से क्या होता है, शुद्ध होता है। क्योंकि वाष्प द्वारा जल की अशुद्धियां जल स्रोत से में ही रह जाती है और जो वाष्प बनकर उठता है जो उसकी अशुद्धियां रहती है जल की वो क्या होती है, वही रह जाती है। जो अशुद्ध रहता हुआ वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। परंतु जब वर्षा का जल वायुमंडल में होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है तब इस मार्ग में विद्यमान असंख्य अशुद्धियां जल में क्या होता है, मिल जाती है। क्योंकि वर्षा का जल तो बहुत शुद्ध होता है मगर जो हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती है, जल में विद्यमान हो जाती है। आधुनिक औद्योगिक युग में हमारा वायुमंडल अनेक प्रकार की अशुद्धियों से क्या होता है, प्रदूषित जाता है। और इसमें धूल कण विभिन्न लवण धूल कण तथा अनेक रासायनिक अवशेष हर समय व्याप्त होते हैं और ये समस्त अशुद्धियां वर्षा से शुद्ध जल को दूषित कर देती है। जो वर्षा के माध्यम से हमें शुद्ध जल मिलता है, अनेक प्रकार की अशुद्धियां जो होती है वायुमंडल में विद्यमान होती है वर्षा के जल को क्या कर देती है, अशुद्ध कर देती है। कुछ नगरों में वर्षा के जल अम्ल की मात्रा में पाई जाती है और कुछ प्रारंभ होने के उपरांत वर्षा का जल एकत्र करके पीने के काम में लाया जाता है। हमारे देश में कुछ भागों में लोग वर्षा का जल को एकत्र करके ही अपना जल संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे भाग हैं जहां वर्षा के जल को ही एकत्रित करके अपने काम में लाने लायक उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के तालाबों एवं जल स्रोतों को एकत्रित करके जल दूषित होने से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। अब देखिए कूड़े करकट तालाबों में नहीं गिराना चाहिए। तालाबों को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, पशुओं को तालाब से दूर रखना चाहिए जो उसमें मल मूत्र को ना त्यागते। मनुष्यों को एकत्र जल में दूषित होने से बचने के लिए तालाबों के अंदर स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े को नहीं धोना चाहिए, बर्तन को साफ नहीं करना चाहिए जिससे तालाब क्या होता है, गंदा हो जाता है। जल का बाहर बहता स्रोत नदी जो एक हम लोग का प्रमुख जल का बहता स्रोत नदी है जो हमारे पीने लायक पानी रहता शुद्ध होता है। जैसे उपलब्ध जल स्रोतों में नदियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नदियां मैदानी भागों से बहती हैं, समुद्र की ओर मिलती हैं। नदियों से में बहने वाले जल में कुछ मात्रा तो वर्षा के जल के होते हैं तथा शेष पहाड़ों से विद्यमान बर्फ पिघलते हैं। जो नदियों में जो पानी आता है वर्षा का होता है और कुछ मात्रा जो होता है बर्फ जो पिघल के होता है। Yeah.